नॉनवेज मेरा यूएसपी है, तो मैंने कहा क्यों ना पॉकेट फ्रेंडली के अंदर रेडी टू ईट वाला फूड ऐसा कुछ खिलाया जाए, तो मैंने शोरमा से स्टार्ट किया। अच्छा वैसे मैंने कई जगह देखा कि शोरमा वो उसको ग्रिलर पे लगा होता है एंड वो रोटेट हो रहा होता है देन उसको। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप चिकन को मैरिनेट करके ग्रिल पे करते हैं तो ग्रिल पे चिकन ग्रिल हो रहा होता है, तो चिकन जब ना पूरा कुक्ड हो रहा होता है तो वाटर रिलीज करता है, तो वाटर के साथ साथ स्पाइसेस रिलीज हो रहे हैं एंड देन उसको भी जब कट करते हैं तो वो स्पाइसेस तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, फिर वो ड्राई चिकन हो गया उसको रोल करके दे देते हैं। बट दिस इज अ मैरिनेटेड चिकन और ये इस फुट पे हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, तो इसलिए वो पूरा जितना भी स्पाइसेस होगा वो आपका एक फ्लेवर आपको शोरमे के अंदर मिलेगा। तो मतलब सारे जूसेस मिलेंगे मेरे शोरमे के अंदर। हाँ सारे काफ़ी अच्छा है, मैंने ये पहली बार देखा है। तो वैसे भैया स्पाइसेस कौन कौन से यूज़ करते हैं इसमें? ऑथेंटिक स्पाइसेस मेरे खुद के हैं, आई हैंडमेड स्पाइसेस यूज़ करता हूँ। ओके तो एनी सीक्रेट स्पाइस, एनी सीक्रेट जूस? नो नो नो, जो नॉर्मली जो होममेड होते हैं वो स्पाइसेस यूज़ हो रहे हैं, कोई ऑथेंटिक कोई ऐसा नहीं है, होममेड स्पाइसेस ही हैं। रेड चिली, गरम मसाला, गार्लिक पाउडर। ओहो मेरा फेवरेट प्रोसेस शुरू हो गया, कट 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 कट। कि यहाँ पर वीट प्रोडक्ट्स यूज के लिए आते हैं रेदर देन मैदा प्रोडक्ट्स। ऑल द जिम फ्री गाइस आ जाओ भाई, इधर हेल्दी है भाई खाना। तो ये भाई चिकन सॉसेज डल गया है, हमारे हॉट डॉग की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। इसमें पोक सॉसेज यूज नहीं करते, ये सिर्फ चिकन सॉसेज है, प्योर चिकन सॉसेज। अब सबर नहीं होता भाई, और भैया ने काट दिया है बन, बहुत ही क्या ओके। तो इसकी प्रिपरेशन का क्या क्या प्रोसेस रहता है भैया? इसकी प्रिपरेशन का गार्लिक म्यूनिस का सब चीजें हाँ, सीक्रेट सॉस लग गई है भाई साहब। तो ऐसे भैया बताओ आपका मतलब आप ये स्टॉल कब कितने बजे खोल लेते हो आप इस वक्त? नॉर्मली समर इज 6 o'clock टू 10 ओके एंड विंटर इज 5 to 10। तो मतलब आपका कैसा रहता है फिर सेल क्राइटेरिया? अच्छा रहता है, अरे बहुत बढ़िया, भगवान की दया सबका अच्छा है। ये भैया ने इसके अंदर तंदूरी सॉस लगाया और उसके ऊपर सॉसेज रख दिया है, और भैया ये कोस्लो, दिस इज कोस्लो, हैंडमेड कोस्लो। और ये किस किस चीज़ से बनता है भैया? कैबेज, ओके कैबेज, ओके कैप्सिकम, मिल्क, मेयोनीज, आई डोंट नो के। हाँ ये तो दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है यार, खाने में कितना टेस्टी होगा। और ये भैया ने भाई अपना मेन इंग्रेडिएंट फुली लोडेड शोरमा हॉट डॉग बना दिया। कैसे खाने भैया इसे, हाथ से खाएं चम्मच से खाएं? दिस इज योर विश, आप क्या प्रेफर करोगे? स्पून, ओके। भैया आपने फर्स्ट टाइम किसे बना के खिलाया था? फर्स्ट टाइम कस्टमर को ही। अच्छा कस्टमर को ही खिलाया था। इन तंदूरी सॉस, ओके, आइस, चिपोटले सॉस, और ये डल गया भाई मेन सॉस। ओहो हो हो, फुली लोडेड बीस्ट। और ये तो भाई अपनी ओल्ड स्कूल मेयोनीज जो कि भैया खुद बनाते हैं। और ये कौन सी सॉस है भैया? और ये शेजवान सॉस। तो भाई मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है, मैं तो इसे टेस्ट करने चला। जैसा कि मैंने सोचा था, ये बहुत ही टेस्टी है यार। भैया ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कुक किया है, सारी की सारी सॉसेज इसमें अच्छे से मिली हुई हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, जूसी है, टैंगी है, सब कुछ है यार, बहुत सही है यार। ये शॉर्मा का हर एक बाइट, सारी चीज़ों की जूसी इतने तगड़े कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी चीज़ का। बहुत बढ़िया बना यार।